फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदन ऑल इन वन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बच्चे की कैप डिजाइन लाई हूँ। ये छोटे बच्चों की कैप है। इस डिजाइन को आप किसी में भी डाल सकते हैं। ये छोटे बच्चों के 6-7 साल तक के बच्चों को की कैप है। आप आ जाती है 7-8 साल के बच्चे तक। आप इसको अगर इसे बड़ा बनाने चाहते हैं बड़ा बना सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 80 फंदे रखे हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं 10-12 साल तक, तो 90 तक फंदे रखें। आप अपने सिर के हिसाब से सिर नाप के भी बना सकते हैं। मैं इसकी गोलाई आपको बता देती हूँ कितनी है। इसकी टोटल गोलाई है हमारी 9 इंच। ऐसे में 18 इंच टोटल है दोनों साइड पूरे मिला के, और लंबाई इसकी 8-9 इंच बना रखी है ऊपर मैंने। आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आज मैं आपको इसका डिजाइन बना के दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये जो इसका नीचे से बना हुआ है, अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये उल्टा ही बना है, हमारे दोनों साइड से उल्टा ही बनेगा। ऐसे ही सिंपल देख के ऐसे ही दोनों साइड से हमको ऐसे ही बुनना है उल्टा उल्टा। इसी तरह इसको उल्टा उल्टा मैं बना लेती हूँ। मैंने इसमें ये 3 धाड़ी बॉर्डर बना दिए है। ये 3 धाड़ी आ रखी है हमारी। 6 सिलाई 8 सिलाई आप कितने का भी बॉर्डर बना सकते हैं। ये दोनों साइड से सेम ही है, इधर से भी उल्टा ही है, इधर से भी दोनों साइड से एक ही जैसा बुनना है। अब इसके बाद हम एक सिलाई सीधी सीधी निकाल लेंगे। ऐसी बॉर्डर पूरा करने के बाद एक सिलाई पूरी सीधी सीधी निकालेंगे। इसी तरह मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ पूरा सीधा सीधा। देखिए मैंने ये लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ तक बना लिया मैंने इसको। एक सिलाई सीधी सीधी निकाली, एक उल्टी एक सीधी निकालेंगे। अब यहाँ से पीछे से हमको इसको उल्टा बुनना है। यहाँ से हम इसको इसी तरह उल्टा बुनेंगे पूरा ही। इसी तरह मैं इसको भी बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ डिजाइन। ठीक है फ्रेंड, जिस भी कलर का आप ये फ्लावर बनाएंगे, अब हम उस कलर से एक सीधी सीधी यहाँ से सीधी बनाएंगे हम इसको, और उस साइड से उल्टी। जैसे हमने एक सिलाई पहले इसकी निकाली थी, इसी तरह हर बार डिजाइन डालने से पहले हम इसको एक सिलाई ग्रीन वाले की, जिस भी कलर का फ्लावर बना रहे उस कलर का एक सिलाई उल्टी एक सिलाई सीधी निकाल लेनी है। उसके बाद ही हमारा डिजाइन बनेगा आगे। तो मैं इसको उल्टी से एक सिलाई पूरी सीधी और वहाँ से उल्टी। मैंने ये सीधी से सीधी और उल्टी से ये उल्टी में आ गई हूँ मैं। उल्टी से हमको ऐसी उल्टी उल्टी निकालनी है ये सिलाई। इसी तरह मैं ये उल्टी सिलाई भी पूरी निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ ये डिजाइन हमें कैसे डाल। देखिए फ्रेंड, मैंने ये सीधी एक इसकी सीधी उल्टी एक इसकी उल्टी सीधी निकाल ली। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, और ये अब हम जो बेस कलर है जिसका मैंने बॉर्डर बना रखा है उसी कलर से बुनेंगे, डिजाइन उसी कलर से डालेगा। देखिए पहला फंदा ऐसे बना लेंगे। अब इसको हमको खोलना है, दूसरा फंदा ऐसे खोल के इसे सामने की तरफ से सिलाई डाल के, ये दो फंदे जो खोले फंदे हैं वो सिलाई के ऊपर आने चाहिए, और ऐसे इसको निकाल देंगे। फिर हम दूसरा फंदा फिर ऐसे ही बुन लेंगे, एक बुनेंगे और एक को खोलेंगे। हमारा इसी तरह ये डिजाइन बनेगा। देखिए इस तरह, फिर ये फंदा ऐसे बुनेंगे, ऐसे बना लेंगे। बहुत इजी डिजाइन है, एक बार समझ में आ जाता है तो, और बहुत अच्छा लगता है ये डिजाइन। आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसको हम सीधा बनाएंगे। दिख रहा है इस जैसे ये दिख रहा है, इसके बाद वाला फंदा बुना जाएगा और इसको खोलेंगे हम। ऐसे ये दो जो हमने ग्रीन कलर के बुने थे उनको मैंने खोल दिया है। देखिए ये बना, इसको ऐसे बनाऊंगी और इसको खोलेंगे। अब इसको बना लूंगी, इसको खोलूंगी।
इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने खोल लिया, अब इसको बना लूँगी, अब इसको खोलूँगी। ये ऐसे यहीं से सिलाई डालनी है और धागे इसके ऊपर लगनी है, ऐसे सिलाई निकाल देंगे। फिर इसमें देखो सिलाई बन रहा है, फिर इसको वही करना है, उतारना है इनको, इसको इस तरह, फिर इसको उतारे हमने और फिर इसको सीधा बनाएंगे। अगर तुम अंदाजे ने पीछे देख लीजिए, पीछे पता चल जाता है देख के कि कौन सा हमने उतार रखा है, कौन सा खोलना है। देखिए इसको मैंने ऐसे इसको बना लूँगी, अब इसको बना लिया, इसको खोलूँगी। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनी जाएगी। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है। इसको मैं पूरी उल्टी बुन लेती हूँ। मैं अभी सीधी सिलाई में आ गई हूँ, अब हमारा वही रिपीट होगा, जो जिस कलर से फ्लावर बन रहा है उसी कलर से हमको सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, उल्टे से उल्टे, सीधे से सीधे, फिर हमारा डिजाइन दोबारा डलेगा। इसके बाद ये उल्टी सिलाई में आ गई हूँ मैं, उल्टी सिलाई हम ऐसी पूरी उल्टी उल्टी निकालेंगे, ऐसी इसको पूरी उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमें सीधी सिलाई में आ गई हूँ, अब हम इसको फिर से दोबारा फ्लावर डालेंगे, तो ऐसे डालेंगे, पहले ये फ्लावर के ऊपर ही हमारा दूसरा फ्लावर भी बनेगा, तो इसको मुझे खोलना है, तो इसको खोल लेती हूँ, ऐसे खोल के दूसरे जो बेस कलर है उससे बनाएंगे हम ये, जो भी आपका बेस कलर हो जिससे बॉर्डर बन रहा है, और ये फंदा हमारा सीधा बना जाएगा। अभी फ्लावर के ऊपर आ गए हैं तो ये खोलेंगे हम, बस यही ध्यान रखना है इसमें कि फ्लावर के ऊपर ही दूसरा फ्लावर बनेगा और ये बना सीधा ही बना जाएगा, और इसको खोल लूँगी और ऐसे सिलाई डालते हुए इसको बना लूँगी, और ये फंदा सीधा, और ये डिजाइन बनेगा इसमें। एक सीधा इसमें आप कितने भी फंदे किसी भी हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें एक एक का ही पड़ रहा है, एक में डिजाइन पड़ेगा, एक में उतरेगा, इसी हिसाब से इसका डिजाइन बनेगा। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर, बड़ों के, लेडीज हाफ का उसमें ब्लाउज में, या बच्चों के उसमें टोपी में, किसी में भी बहुत अच्छा लगता है सभी में। मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ, एक फंदा उतार लिया और ये इसको बना लूँगी, इसको खींच लेंगे। देखिए इसमें हमारा फ्लावर बनेगा, नीचे फ्लावर बना हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे, और यहाँ से देखिए कैसे करना है, ये इस फंदे में सीधे तरह से सिलाई डाली और इसको बुन दिया, और इसको एक सीधा इसको खोलना है, फ्लावर के ऊपर है, जहाँ पे फ्लावर है वहीं पे हमको फ्लावर बनाना है, इसी तरह फिर इसको सीधा बुन लेंगे, फिर इसको खोल लेंगे। इसी तरह आप रिपीट करते हुए जैसे जैसे बताया है इसी तरह बनाते जाइए, बस आपको बार बार यही रिपीट करना है, एक फंदा खोलना है, एक फंदा बनाना है, ये डिजाइन के ऊपर ही डिजाइन बनेगा। इसी तरह मैं बना लेती हूँ, अभी दिखा
देखिए ये फ्लावर वाला आ गया, फ्लावर के ऊपर ही हमको फ्लावर डालना है, यही ध्यान रखना है हमको। इनको खोल लेंगे और ऐसे सिलाई डालेंगे, उतारेंगे। ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी उतरेगी ऐसी। इसको हम पूरे उल्टे बना लेते हैं। हमको वही रिपीट करना है, ये सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बुनेंगे। ये आगे से सीधे, पीछे से उल्टी, ये सिलाई पूरी निकाल लेती हूँ। ठीक है मैं सीधी सिलाई मार रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा डिज़ाइन। अब मैं इसको, अब इस देखिए ये मैंने बना लिया है, ये इसमें इसको उतारना है और ये बना लूँगी और इसको उतारूँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। बस इसको बना लेना है, इसी तरह आप बना लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा डिज़ाइन। इसी तरह ये बन के आते हैं, ये बीच में आ जाएगा, ये इस साइड जैसे इसमें दिख रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।